हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है मंगलवार के दिन का और अभी ना लगभग 11 बजे हुए हैं और मैं सीधा आ गई थी अभी मार्केट और यहीं से आज का जो वीडियो है वो स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह में घर में बहुत ज़्यादा काम था, इस वजह से मैंने आज सुबह से कोई भी वीडियो स्टार्ट ही नहीं किया। तो मार्केट आए थे हम लोग किसी ज़रूरी काम के लिए, और ज़रूरी काम वही घर में जो चीज़ें अभी ज़रूरत है हमें वही सब लेने के लिए। तो रास्ते में ना बहुत सारी जो शॉप पड़ती है ना, तो वहाँ पे हम लोग देखते जा रहे थे कि यहाँ पे ना चेयर की शॉप पड़ी थी, तो हम लोग वही चेयर देखने आ गए थे। तो अभी जैसे घर में सोफ़ा भी नहीं है, तो वही हम लोग देख रहे थे कि चेयर कैसी है, क्या कैसे है। लेने का प्लान है लेकिन फ़िलहाल आज नहीं लेंगे, बस देखने ही आ गए थे। तो वही था मार्केट में जितनी दुकानें दिख रही थी हमें, बस वहाँ पे हम लोग जा जा कर के देख रहे थे। कुछ चीज़ें हम लोग लिए भी हैं, कुछ सामान घर के जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी सामान थे वो वाले। बहुत ज़्यादा शॉपिंग नहीं की थी क्योंकि थोड़ा लेट भी हो गया था हमें आने में, तो इसी वजह से ज़्यादा शॉपिंग नहीं की है। बाद में हम फिर बात आएंगे। और मेरे साथ में दीदी भी आई थी क्योंकि दीदी को भी उनका कुछ सामान चाहिए था, तो वो भी आई हुई थी। फ़िलहाल मार्केट का जो काम है ना वो जल्दी ही निपट गया था। फिर हम लोग आ गए घर पे, लंच वगैरह किए, उसके बाद अब जो है मैं घर की सफाई करूँगी। तो इस वाले रूम की तरफ ना इधर आना होता ही नहीं है, मैं ज़्यादातर किचन में रहती हूँ और उधर हॉल में सभी लोग रहते हैं ना, तो मेरा जो टाइम है उधर ही पूरा निकल जाता है और मैं अपने बेडरूम में बहुत कम ही आ पाती हूँ। अभी फ़िलहाल मेरी ऐसी ही आदत है क्योंकि अभी घर में बहुत सारे लोग हैं ना, तो सब लोग वहीं पे बैठ जाते हैं तो मैं भी बैठ जाती हूँ। तो यहाँ पे इतने सारे कपड़े रखे हुए थे, ये 2 दिन के कपड़े हैं और बच्चों के, मेरे, मतलब सभी के, जो जैसे मिल रहा था वैसे ही पहन कर कर और उतार करके रख दिए थे। बच्चे भी कल घर पे जो गृह प्रवेश वाली पूजा हुई थी ना, तो वही यहाँ पे मैंने साड़ी भी जो पहनी हुई थी वो भी उतार के रख दी थी क्योंकि रात में काफ़ी ज़्यादा हम लोग थक गए थे। तो जैसे ही तैसे सारा सामान ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो बस अब इसको समेटना है क्योंकि थोड़ा सा सफाई भी ज़रूरी है। तो और बच्चों के ना कुछ कपड़े भी मिल नहीं रहे थे, सारा सामान इधर उधर है ना, तो कपड़े भी मिल नहीं रहे थे। तो वही मैंने कहा कि मैं ये सब कुछ साफ़ कर लूँगी ना तो मिल जाएंगे इसी में। तो अब मैं थोड़ा सा इस वाले रूम को सही कर लेती हूँ और बस यहाँ पे कुछ ही कपड़े हैं, बहुत ज़्यादा नहीं हैं। और जो मैं कपड़े लेकर के आई हूँ ना, बहुत सारे जो और कपड़े मेरे थे, उन सभी को भी मैंने अभी अरेंज नहीं किया है। काम अभी बहुत सारा मेरा पड़ा हुआ है, बहुत सारा काम करना है लेकिन अभी ना इस टाइम पे बिल्कुल भी समय नहीं मिल पा रहा है वो सारे काम करने के लिए, क्योंकि घर में जैसे सभी लोग हैं ना, दीदी लोग हैं, तो मेरा टाइम तो उसी में निकल जाता है। जैसे घर के खाना पीना वगैरह होता है ना, और बैठ गए तो थोड़ी सी बातें होने लगी, गप्पे करने लगे, हंसी मजाक, तो इसी में सारा टाइम निकल जाता है। इस वजह से मैंने वो सारा काम अभी छोड़ दिया है। जब सब लोग चले जाएंगे ना तभी मैं अपना सारा काम करूँगी, क्योंकि आपके घर में अगर कोई आता है ना तो थोड़ा सा टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपके घर पर कोई आया है तो। तो इस वजह से भी मैं बहुत जल्दबाजी नहीं कर रही हूँ, वो मेरे काम है तो मैं उनको बाद में कर लूँगी, लेकिन जो मेरे घर पर आए हुए हैं ना वो इतनी जल्दी नहीं आएंगे। और जितने दिन भी ये रहेंगे सब लोग, तो सबके साथ में मैं भी थोड़ा सा अपना अच्छा वाला जो है टाइम बिता लूँ। बस ये सब हो गया है रूम की सफाई, और जो एक्स्ट्रा बर्तन मैं निकाली थी कल के कार्यक्रम के लिए, तो जो एक्स्ट्रा होते हैं ना थोड़ी बड़े बड़े वाले बर्तन, वो सारे बर्तन मैं निकाली थी। तो बस सुबह धुल करके मैंने रख दिया था यहीं पे, और अब इस वाले रूम की भी सफाई करनी है। यहाँ पे भी बहुत सारा सामान, कपड़े वगैरह पड़े थे। दोनों ही रूम का हाल जो है बहुत ज़्यादा ख़राब था। तो सबसे पहले तो बर्तन को रख दूँगी, बर्तन क्योंकि ना जितने ज़्यादा निकले रहते हैं उतने ही ज़्यादा हो जाते हैं गंदे, तो फ़िलहाल अभी के यूज़ के लिए मैंने रख लिया है। और जिनका यूज़ नहीं था, जिन बर्तनों का, उन बर्तनों को मैं रख दूँगी वापस से, तो यहीं पे मैं रखूँगी ताकि मुझे निकालने में आसानी हो, बाद में भी कभी निकालना हो तो कोई दिक्कत ना हो। और बस ये बर्तन वगैरह रख देंगे और इस वाले रूम को भी ठीक कर देंगे। बस आज का जो साफ़ सफाई का काम है वो तो हो चुका है। इसके बाद फिर शाम का टाइम हो गया है और इस टाइम पे ना
थोड़ा सा मौसम ख़राब हो गया है। हल्की हल्की सी बारिश शुरू हो गई थी और मौसम ना ठंडा ठंडा भी हो गया था, काफ़ी ज़्यादा ठंडा लगने लगा था। तो शाम का जो टाइम है वो चाय का था, तो मैं बस आ गई थी यहाँ पे चाय बनाने के लिए। तो चलिए अब बना लेते हैं शाम की चाय। सब लोग बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं शाम की चाय का। और घर पे ना अभी जितने लोग हैं उनमें से कुछ तो बिना चीनी वाली चाय बनेगी और कुछ के लिए चीनी वाली बनेगी, तो इस तरीके से मुझे अलग अलग निकालना पड़ता है। तो मैं ना क्या करती हूँ कि पहले चाय बना लेती हूँ, जैसे चाय बनती है उसमें चीनी ऐड नहीं करती हूँ, बस दूध में पानी मिला करके चाय पत्ती डाल करके और अदरक वगैरह डाल करके बॉईल कर लेती हूँ। जब चाय अच्छे से बन जाती है तो जिनको बिना चीनी की चाय पीनी होती है उनके लिए चाय छान कर दे देती हूँ और उसके बाद फिर चीनी ऐड कर देती हूँ बाकी लोगों के लिए। इस तरीके से मेरा हो जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरे किचन में एक्वागार्ड भी लग चुका है, जो कि अभी कल तक नहीं लगा था, ये आज ही लगा है। और धीरे धीरे जितने भी काम हैं वो सब हो रहे हैं, लेकिन सारे काम आराम से ही हम लोग कर रहे हैं ताकि कोई हड़बड़ी ना हो, कोई दिक्कत ना हो किसी को भी। क्योंकि अभी ना पिछले एक हफ्ते से हम लोग बहुत ज़्यादा आना जाना इसी शिफ्टिंग के चक्कर में ना काफ़ी ज़्यादा भाग दौड़ हो रही थी, तो सब घर के जितने भी लोग हैं ना सभी लोग बहुत ज़्यादा थक गए हैं। बस कल से जैसे ही गृह प्रवेश की पूजा हो गई थी और जो मेहमान आए हुए थे और जो लोग चले गए, फिर उसके बाद से थोड़ा सा रिलैक्स मिला, क्योंकि जो मेन हमारा काम था ना वो कल तक का ही था कि गृह प्रवेश की पूजा जो है अच्छे से निपट जाए। और बस यही टेंशन थी मुझे पहले से ही कि जिस दिन मेरे घर में पूजा होगी उस दिन का सारा काम अच्छे से हो जाए, इससे ज़्यादा और खुशी की बात क्या हो सकती है। तो सारा काम जैसे ही निपट गया ना, इसके बाद हम लोग रिलैक्स हो गए और थोड़ा सा आराम, मतलब अपने आप को महसूस कर रहे थे, आराम अब लग रहा है। अब जितने भी घर के काम हैं ना वो धीरे धीरे होंगे, आराम आराम से थोड़े थोड़े करके जैसे हमें समझ में आएगा वैसे ही करेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। क्योंकि अब हम लोग यहाँ पे रहने लगे हैं तो अब कोई दिक्कत नहीं होगी काम करने में। फ़िलहाल ये एक्वागार्ड भी लग चुका है तो पानी का भी दिक्कत ख़त्म हो चुका है और बस यहाँ पे अब मेरी चाय भी बन गई थी, तो सभी को चाय दे देते हैं। और दोपहर के जो बर्तन धुले हुए रखे थे ना, तो सबसे पहले इन्हीं को मैं सेट कर देती हूँ क्योंकि ये सूख चुके हैं, तो बस सारे बर्तन भी सेट कर दूंगी। और बर्तन ना आजकल बहुत ज़्यादा निकले हुए हैं तो कुछ मैं यहाँ पे सेट कर देती हूँ बर्तन स्टैंड में और कुछ मैं नीचे में रख देती हूँ, जो एक्स्ट्रा होते हैं ना उनको नीचे रख देती हूँ, तो फिर लेने में दिक्कत नहीं होती किसी को भी। और फिर ना शाम के खाने की तैयारी करनी है, तो अभी तो फ़िलहाल ये बर्तन को मैं सेट करूँगी। इसके बाद हम लोग जाएँगे थोड़ा सा घूमने के लिए घर से बाहर। सभी का मन था कि चलो चलते हैं थोड़ा सा बाहर घूम कर के आते हैं इस वाली कॉलोनी को, क्योंकि यहाँ पे अभी नई जगह है ना, तो सबको थोड़ा सा देखने का मन था, दीदी लोगों को, मम्मी को, सभी को। तो बस वही हम लोग चले गए थे और आते समय फिर सब्जी वगैरह मैं लेकर के आई थी। तो यहाँ पर अब सब लोग लग गए हैं रात के खाने की तैयारी में और ऐसे ही बैठ कर के सब लोग काम करते हैं और बातें भी करते हैं, हंसी मजाक चलता है। तो कोई भी काम ना कैसे कितनी जल्दी हो जाता है बिल्कुल भी पता नहीं चलता, हंसी मजाक करते हुए सारे काम हम लोग कर लेते हैं। सभी लोग यहाँ पे लगे हुए हैं, कोई सब्जी काट रहा है, कोई आटा गूंथ रहा है और कोई कुछ कर रहा है, बस ऐसे ही सारा काम हो रहा है। और बस यहाँ पर अब सब्जी वगैरह काट लेंगे और फिर बनाएंगे रात का खाना। और फ्रेंड्स, आप सब लोग मेरे शिफ्टिंग वाले वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद किए, बहुत सारा प्यार दिए और उसमें काफ़ी सारे कमेंट भी आ रहे थे, तो आप सभी को दिल से थैंक यू। मैं आप सभी के कमेंट का रिप्लाई अभी नहीं दे पा रही हूँ, लेकिन जैसे ही मैं फ्री हो जाऊँगी ना वैसे ही फिर आप सबके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूँगी। अभी मैं देखती हूँ नोटिफिकेशन में सभी के कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मुझे खुशी होती है आप सबके कमेंट पढ़ करके, तो थैंक यू सो मच आप सभी का, बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद। चलिए फ्रेंड्स, अब रात का खाना जो है वो मैं बना रही हूँ और सब्ज़ी आप देख रहे हैं कितनी बड़ी वाली कढ़ाई में बनी है। तो ये जो कढ़ाई है ना, ये जब ये सारे लोग आते हैं ना तभी ये मैं निकालती हूँ, स्पेशली यही सारे लोगों के लिए, क्योंकि ये लोग जब भी आते हैं ना तो कुछ दिन के लिए आते हैं, तो फिर मैं ये बड़ी वाली कढ़ाई में ही खाना बनाती हूँ। अभी छोटे वाले जितने भी मेरे रेगुलर वाले बर्तन थे वो मैंने रख दिए थे। तो सब्ज़ी साइड में मैं छौंक करके और उसमें पानी वानी डाल दी थी, आलू गोभी की सब्ज़ी मैंने बनाई थी
और सब्जी मेरी पक रही थी, इधर साइड में रोटियां मैं सेक रही थी और नीचे से एक जन बेल करके दे रहे थे और एक जन क्या है खाना दे रहे थे। तो ऐसे में खाने पीने का भी जितना काम था वो हो जाता है आराम से। और फिर खाना खाने के बाद यहाँ किचन की कर लेते हैं सफाई। किचन काफ़ी ज़्यादा गंदा था तो बस सारे बर्तन मैंने बाहर रख दिए हैं, बाहर मतलब मेरी बड़ी वाली बालकनी में, वहीं पे बैठ करके धुलेंगे क्योंकि बहुत सारे बर्तन थे ना, तो एक जन के धुलने की बस की बात नहीं है अकेले। तो ये काम ना सुबह होगा बर्तन वगैरह धुलने का। और अभी हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी तो बर्तन मैं बाहर रख करके आई हूँ और अपने किचन को साफ़ कर ले रही हूँ ताकि अच्छा लगे सुबह उठ करके। वैसे तो अभी कोई हड़बड़ी नहीं है, बच्चों का स्कूल भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने किचन को क्लीन करके ही सोऊंगी, मेरा मन बिल्कुल भी नहीं मानता। और किचन मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया, चमका दिया है और बस थोड़े से बर्तन रखे हुए थे सिंक में जो कि चाय वाले थे, कप वगैरह, तो ये टूटने वाले हैं तो इनको मैं बाहर नहीं ले जाती हूँ, इनको मैं यहीं पे साफ़ कर लूँगी क्योंकि सुबह उठने के बाद सबसे पहले चाय ही बनाई जाएगी ताकि ये कप वगैरह मिल जाए मुझे धुले हुए, सुबह के लिए कोई दिक्कत ना हो। तो बस यहाँ पे मैंने किचन को क्लीन कर लिया है और यहाँ पे किचन प्लेटफॉर्म में ना थोड़े बहुत अभी दाग हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब मैं यहाँ पे डेली सफाई करूँगी ना तो ये साफ़ हो जाएगा। अभी थोड़े थोड़े ये समझ में आ रहे थे तो फ़िलहाल ये एक दिन में तो होगा नहीं, धीरे धीरे करके होगा जैसे मैं किचन की सफाई करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब ये रात का जितना भी काम था वो मेरा हो चुका है और ये कप वगैरह भी मैं धुल करके यहीं पर रख दूँगी और साथ ही साथ मैं किचन के सिंक को भी अच्छे से क्लीन कर दूँगी। चलिए फ्रेंड्स, अब हो गई है रात काफ़ी ज़्यादा और आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।